बोकारो इस्पात संयंत्र में लगभग 100 से अधिक इन्होंने कार्यरत हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 8800 के आसपास नियमित कर्मचारी, साथ साथ 18000 के आसपास ठेका श्रमिक हैं। इतने सारे कर्मचारियों और इतने सारे यूनियनों के होने के बावजूद भी बोकारो इस्पात संयंत्र में आज तक कभी किसी का भी सदस्यों का वेरिफिकेशन सीक्रेट बैलेट एक्शन के माध्यम से नहीं हुआ है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की अनुसूची 5 के तहत अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में भी आता है। बोकारो इस्पात संयंत्र में मान्यता का चुनाव स्थापना काल से नहीं हुआ है। एफसीआई के मामले में 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि किसी भी संयंत्र में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ डिसिप्लिन के तहत मान्यता देने का प्रावधान जो है वो नहीं होना चाहिए और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत सीक्रेट बैलेट इलेक्शन का प्रावधान होना चाहिए। बोकारो इस्पात संयंत्र को स्थापना में 50 वर्ष हो गए। इन 50 वर्षों में आज तक किसी भी यूनियन का सदस्यता वेरिफिकेशन के लिए सीक्रेट बैलेट इलेक्शन का चुनाव नहीं हुआ है। उसमें हमारी यूनियन भी है। हम लोगों ने सारे संबंधित पक्षों को इस विषय को संज्ञान में लाया। हमने सीएलसी, डीएलसी, सीएलसी ऑफ इंडिया तक को पत्राचार किया। कहीं से कुछ भी निर्णय ना होता हुआ देख हम लोगों ने अंत में न्यायालय का रुख किया है और हम लोगों ने रांची हाईकोर्ट में सीक्रेट बैलेट इलेक्शन के माध्यम से यूनियन का वेरिफिकेशन कराने के लिए एक पिटीशन फाइल किया है। न्यायालय के शरण में गए हैं ताकि न्यायालय से इसका उचित निर्णय होकर के यहाँ पे मान्यता का चुनाव हो और सदस्यों को वेरीफाई किया जाए कि किसके संगठन में कितने सदस्य हैं, चाहे वो संगठन बीए की ऐसे ही क्यों ना हो। बोकारो।